राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं ना साध्वी बनना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? साध्वी बनना चाहती हूँ। साध्वी बनना चाहती हूँ जी। के सातवीं में पढ़ना चाहती हूँ। गुरु जी, मैं पहले तो पंजाब में रहती थी। हाँ। वहाँ मुझे राधा रानी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और मैं जब नेपाल में आई, मेरी बड़ी मम्मी, उन्होंने मुझे राधा रानी के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में बहुत सिखाया। और उनके मोबाइल में आपके, प्रेमानंद जी के, जगत गुरु जी के भजन प्रवचन चलते रहते हैं। और मुझे इतनी इच्छा हुई ना कि मैं साध्वी बनूँ और मुझे राधा रानी के साथ लगन लगाऊं। अभी पढ़ती हो आप? जी। कौन सी कक्षा? आठ। आठवीं? जी। तो साध्वी बनना है तो क्या पाओगी? साध्वी बन के क्या पाना चाहती हो? मैं राधा रानी के साथ लगन लगाना चाहती हूँ अपनी। तो लगन तो आप अभी भी लगा सकती हो और विवाह के बाद भी लगा सकती हो। मुझे विवाह नहीं करना। कितने साल की हो? अब 15 की हो जाऊंगी। ठीक है, तो अभी तो विवाह का बिल्कुल ध्यान अभी तो आप साध्वी ही हो जी। अभी तो आप साध्वी ही हो और प्रेम से साध्वी बन के खूब अभी राधा रानी से मन लगा, थोड़ा पढ़ाई भी करते रहना। ठीक है? ठीक। हाँ, अभी तो आप साध्वी ऑलरेडी हैं। और कैसी साध्वी बनना है? मुझे वृंदावन में ही वास चाहिए, मुझे नहीं जाना घर। मैं स्कूल में भी मैं पढ़ती तो थी पर स्कूल नहीं जाती थी, जिद करती थी, रोती थी मुझे नहीं जाना। नहीं बेटा, पढ़ाई तो करनी चाहिए। राधा रानी उनसे बहुत खुश होती हैं जो बच्चे पढ़ लिख करके योग्य बन के खूब पैसा कमाते हैं और खूब दीन दुखियों की सेवा में लगाते हैं। जब आप सेवा करोगी ना तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होंगी। आप वृंदावन में रहोगी तो राधा रानी तो खुश हैं, लेकिन आपके आसपास कोई दीन दुखी भूखा प्यासा है और आप उसकी हेल्प करेंगी ना तो राधा रानी और प्रसन्न होंगी जी। पता है आपको, जब हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमसे और प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो आप सबकी मदद करोगी ना? करूंगी। तो खूब पैसा कमाओगी ना? कमाऊंगी। खूब पैसा कमाओ, खूब पढ़ लिख जाओ, और पढ़ लिख के समाज की सेवा करना यही साध्वी है, यही साधना है, यही भक्ति है, यही भजन है। ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं अभी सिर्फ 16 वर्ष की हूँ और मैं अभी सिर्फ बाल्यकाल की अवस्था में हूँ, पर मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है, तो क्या मैं आपसे गुरु दीक्षा ले सकती हूँ अभी? हाँ हाँ, ले सकते हैं। ले सकती हूँ। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। और किसका प्रश्न है? अच्छा गुरु जी, राधे राधे जी। कोटि कोटि प्रणाम। पूर्व मेदिनीपुर थेके आसछि, तमलुक थेके। আমার খুব, আমি খুব পাপি, খুব কষ্ট। বলো। মানে এই দ্বিতীয় করোনাতে তিনজন আমার পরপর মারা গেল, শ্বশুর শাশুড়ি আর স্বামী করোনাতে মারা গেল। 9 জুন স্বামী মারা যায়। আমি খুব পাপি, খুব কষ্ট হয়, আমার মনের কষ্ট হয় প্রচুর। এক বেটা এক বেটি, বেটি শাদি দিয়ে গা, বেটা আছে, বেটা শাদি করে না, ওকে আশীর্বাদ করুন। আমার মনের খুব কষ্ট, আমার রাতে খুব টেনশন হয়, আমার ঘুম হচ্ছে না, তাই জন্য মাথা খুব ব্যথা। আর কত সিটি স্ক্যান করা হয়েছে, ব্লাড এক্সামিন করা হয়েছে, কত রক্ত পরীক্ষা হয়েছে, কোনো রোগ ধরতে পারেনি আর কি। বেটি শাদি করে না, বেটিকে একটু আশীর্বাদ। বেটা আয়া হ্যায়? না, আমি একা আসছি পূর্ব মেদিনীপুর। বেটা নেই আয়া? বেটা আছে, 24 বছর বয়স, বাড়িতে আছে আর কি। হ্যাঁ, একা, বেটিকে শাদি করে গে, বেটি চলে গেছে। ঠিক, বেটি একটা আর বেটা একটা। ঠিক, খুশ রই। আর এই আমার শরীরে আমার প্রচুর মানে টেনশন আর কি, ঘুম হচ্ছে না। ঠিক, ভগবান সব আচ্ছা করেঙ্গে।